वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ कंजंक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे? कंजंक्शन पढ़ रहे थे, पांच की हम बात कर चुके। अब है नेक्स्ट, छह नंबर पे लिखा है नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब होता है न केवल बल्कि, मतलब कि जब एक ही आदमी के बारे में दो बात बताई जाए, भाई न केवल वो ये काम कर रहा है, इसके अलावा कोई और भी काम कर रहा है, मतलब एक के साथ दूसरा और बताया जाए, दो को एक साथ बताया जाए, तब किसका प्रयोग किया जाता है? नॉट ओनली बट आल्सो का। फिर हमने देखे थे कि दो सेंटेंस होते हैं, एक में तो सब्जेक्ट कॉमन होता है और एक में सब्जेक्ट है वो डिफरेंट होता है, दोनों सेंटेंस को किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करें, लिखा है सी विल कुक फूड, सी विल कुक राइस, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, यहाँ पर दोनों में सेम है। तो जब सेम सब्जेक्ट हो और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना हो तो देखो क्या करना होता है कि जहां तक दोनों सेंटेंस कॉमन है वो देखेंगे। यहां लिखा है सी विल कुक, यहां भी लिखा है सी विल कुक, तो पहले पार्ट में उसको लिखेंगे जहां तक कॉमन है, मतलब जो दोनों पार्ट कॉमन है वहां तक का लिखेंगे, उसके बाद नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली, अब क्या है, यहां तक लिखने के बाद नॉट ओनली का प्रयोग करने के बाद जो पहला पार्ट है उसका जो डिफरेंट बचा हुआ था पार्ट वो लिखेंगे। यहां पर डिफरेंट क्या था? फूड। तो क्या हो जाएगा? सी विल कुक नॉट ओनली फूड। अब क्या करना है? बट आल्सो का प्रयोग करना है। बट आल्सो का प्रयोग हो गया, अब दूसरे जो दूसरा सेंटेंस है उसका जो अलग पार्ट था उसका प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राइस। सेंटेंस क्या बन जाएगा? सी विल कुक नॉट ओनली फूड बट आल्सो राइस। ये तो होता है जब सब्जेक्ट क्या हो? कॉमन हो। दोबारा से देख लेंगे क्या करना होता है कि जहां तक पहला पार्ट दूसरे पार्ट से मैच कर रहा है वहां तक लिखेंगे, नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, पहला पार्ट जो अलग है वो लिखेंगे, उसके बाद बट आल्सो का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है अलग वो लिखेंगे। अब क्या है, जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा, मतलब अलग सब्जेक्ट हो तब दोनों सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि नॉट ओनली से सेंटेंस को शुरू करना है, नॉट ओनली। अब पहले पार्ट, पहले सेंटेंस का जो अलग पार्ट था या सब्जेक्ट था वो लिखेंगे। क्या करना है कि जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से करेंगे, उसके बाद पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो पूरा ऐसे कैसा लिख देंगे, द मॉनिटर इज मेकिंग नॉइज। बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है, सबसे पहले नॉट ओनली से शुरू करना है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य का ओनली सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट ओनली का प्रयोग करो और दूसरा वाक्य पूरा ऐसे कैसे उतार दो। अब बात करें वर्ब की, तो इसमें ऐसे होता है कि जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाए नॉट ओनली का प्रयोग कर, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना हो तो जो ये सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब है वो दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दूसरा सेंटेंस था वो एज इट इज जैसे का ऐसा लिख दिया, ये होता है नॉट ओनली का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा आइदर और का प्रयोग, या तो या फिर, मतलब दो में से किसी एक को चूज करना, भाई दो में से कोई एक काम हो रहा है, या तो भाई ये काम हो रहा है, या तो वह खेल रहा है या फिर वो सो रहा है, या फिर वो या तो लेटर लिख रहा है या फिर स्टोरी लिख रहा है, मतलब दो में से एक को बताना। आपको लिखा है अरुण इज राइटिंग ए लेटर, अरुण एक लेटर लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, वह एक स्टोरी लिख रहा है। हमें प्रयोग करना है आइदर और का, और हमारे पास सब्जेक्ट है वो क्या है? कॉमन है, मतलब सेम सब्जेक्ट हो तो क्या करना होता है, वो जैसे नॉट ओनली बट आल्सो में प्रयोग किया गया था वैसे ही सेम तरीका है कि जहां तक सेंटेंस कॉमन हो, दोनों में क्या है कॉमन, यहां तक, तो जहां तक सेंटेंस कॉमन हो वहां तक लिखेंगे अरुण इज राइटिंग। अब आइदर का प्रयोग, पहले वाक्य का जो, पहले सेंटेंस का जो अलग पार्ट है वो, उसके बाद और का प्रयोग, दूसरे वाक्य का जो अलग पार्ट है वो। क्या करना होता है कि जहां तक सेंटेंस कॉमन है दोनों वहां तक लिखेंगे, उसके बाद आइदर का प्रयोग, उसके बाद पहले वाक्य का जो अलग भाग है वो, उसके बाद और का प्रयोग, उसके बाद दूसरे वाक्य का जो अलग भाग है वो। इससे क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा एक हो जाएगा। लिखा है अरुण इज राइटिंग आइदर ए लेटर और ए स्टोरी, की अरुण या तो एक लेटर लिख रहा है या फिर एक स्टोरी। दूसरा है राम इज प्लेइंग और मोहन इज प्लेइंग, मतलब सब्जेक्ट कैसे हमारे पास अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग हो तो हमें शुरुआत कहां से करनी है, आइदर से, आइदर पहले वाक्य का जो अलग भाग है या फिर सब्जेक्ट है वो, उसके बाद और दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो, और उसके बाद जो दूसरा वाक्य है वो पूरा ऐसे कैसा,
आइदर और नॉट नॉट ओनली बट आल्सो में जो सेम बात यही है कि दोनों का प्रयोग सेम तरीके से होता है। यही तरीका उसमें था और वही तरीका इसमें है कि अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो क्या करना है, आइदर से शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे और से मतलब उसके बाद और लिखेंगे, उसके बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो दूसरा वाक्य है वो पूरा सेम ऐसे का ऐसा आगे आ जाएगा। अब है नेक्स्ट, इसका उल्टा होता है नाइदर नोर, मतलब दोनों को ही, मतलब इसमें देखो क्या है, ना तो ना ही, मतलब इसमें क्या है नेगेटिव वर्ड है, ये नाइदर नोर है वो नेगेटिव वर्ड होता है। अब देखो नेगेटिव वर्ड होगा तो एक बार एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड यूज किया जा सकता है, तो अगर नोट का प्रयोग पहले से किया हुआ है अब हम नाइदर नोर का प्रयोग कर रहे हैं तो जो नेगेटिव वर्ड है वो हट जाएगा, तो जहां भी नोट दिख जाए वो तो हटना ही है, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है कि पहले देखो क्या लिखा है, यू शुड नॉट कम टूडे, यू शुड नॉट कम टूमोरो, तो ना तो तुम्हें आज आना है नहीं कल आना है, तो मतलब क्या है हमारा सब्जेक्ट है वो सेम है, तो वही क्या है कि जहां तक सब्जेक्ट सेम, मतलब जो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस जो दोनों सेंटेंस सेम है वहां तक कैसे कैसे लिखा जाता है, तो पहले आ जाएगा यू शुड कम, नोट को उठा दिया था हमने, अब नाइदर का प्रयोग, नाइदर टूडे, नोर का प्रयोग दूसरे वाक्य का जो अलग पार्ट था वो, सेम तरीका है, सिर्फ इसमें क्या करना है हमें नोट को हटा देना है, क्योंकि नाइदर नोर है ये नेगेटिव वर्ड है तो हमारा काम हो जाएगा बिना नोट के ही। तो क्या करना होता है कि जहां तक दोनों पार्ट सेम है वहां तक लिखेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे पहले वाक्य का जो अलग पार्ट है वो लिखेंगे, नोर का प्रयोग करेंगे दूसरे वाक्य का जो अलग पार्ट है वो लिख देंगे। अब है नेक्स्ट कि जब क्या हो हमारे पास सब्जेक्ट हो वो डिफरेंट हो, सब्जेक्ट डिफरेंट है तो क्या करना होता है, शुरू में ही नाइदर नोर का प्रयोग करना होगा, तो क्या हो जाएगा नाइदर पहले वाक्य का सब्जेक्ट, नोर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, क्या करना है नाइदर का प्रयोग करेंगे पहले वाक्य का सब्जेक्ट, नोर का प्रयोग करेंगे दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। अब बचा क्या है वो देखो, डिड नॉट गो टू अजमेर, डिड नॉट गो टू अजमेर, तो देखो नोट को तो हटाना था ये तो हट गया, अब हम ऐसे लिखें इसको डिड गो टू अजमेर, तो क्या हो जाएगा देखो डिड गो, ये देखो यहां से यहां तक का सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में कभी भी पास्ट सिंपल के अंदर साई क्रिया का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, इसके बजाय क्या करते हैं हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर ये डिड नॉट ना होकर क्या हो जाएगा ही वेंट टू अजमेर, मतलब क्या करना है देखो ये डिड नॉट ये नेगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन अब नोट हट गया तो ये अफर्मेटिव बन गया, अफर्मेटिव बनेगा तो हमें क्या करना है डिड का प्रयोग नहीं करना सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा नाइदर सी नोर ही वेंट टू अजमेर, ना तो वह वो लड़की ना वो लड़का अजमेर गया, ये हो गया हमारा नाइदर नोर। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है टू और टू का प्रयोग करना, देखो ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग है, जो अब तक के हमने जो कंजंक्शन देखे थे उनमें से इसका जो यूज होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, ध्यान से देखेंगे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लिखा है टू और टू का, बहुत ज्यादा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लिखा है द ओल्ड मैन वाज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक फास्ट, सब्जेक्ट सेम है, वही दो तरीके होंगे, सब्जेक्ट सेम होगा और सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, पहले हम देखेंगे जब सब्जेक्ट समान हो तो क्या करना होता है कि देखो पहले वाक्य में कहीं ना कहीं वेरी या फिर मच का प्रयोग लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या करना है कि जहां वेरी या मच लिखा है वहां पर टू का प्रयोग कर देना है, पहले वाक्य में जहां वेरी लिखा है मच लिखा है ज्यादा का प्रयोग हुआ है वहीं पर किसका प्रयोग करना है टू का, तो लिखा है द ओल्ड मैन वाज वेरी आ गया, इसको उठाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा टू, आगे का लिख देंगे सेम, हो गया यहां तक हो गया पहला पार्ट। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि जो दूसरा वाक्य है उसके अंदर कैन नॉट या कुड नॉट लिखा हुआ जरूर मिलेगा, तो जहां तक कैन नॉट और कुड नॉट है वहां तक का सेंटेंस है वो हटा देंगे और उसके बाद टू का प्रयोग कर देंगे और जो सेंटेंस जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस है वो लिख देंगे। दोबारा से देखेंगे क्या करना है कि जहां पहला सेंटेंस है उसके अंदर वेरी या मच ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे
तो उसको क्या कर देना है, हटा देना है, और उसी की जगह क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। तो लिखा द ओल्ड मैन वाज वेरी वीक, तो क्या हो जाएगा, द मैन वाज, द ओल्ड मैन वाज टू वीक। फिर उसके बाद है कि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्या मिलेगा, कुड नोट या कैन नोट का प्रयोग मिलेगा। तो जहां कुड नोट है और कैन नोट है वहां तक का जो पार्ट है वो हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू लगा दिया। अब सेकंड पार्ट जितना बचा हुआ वो उतना आ जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, सीमा इज मच टायर्ड, शी कैन नोट कुक फूड। तो जहां वेरी या फिर मच दिया हुआ आ जाए उसको हटा देना है और टू लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, सीमा इज टू टायर्ड, हो गया। अब जहां तक दूसरे वाक्य में कैन नोट या कुड नोट का प्रयोग हुआ है वहां तक का हटा देंगे और उसकी जगह टू का प्रयोग कर देंगे और आगे क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा और ये हो जाएगा टू और टू का प्रयोग हमारा। नेक्स्ट है कि जब सब्जेक्ट कैसे हो, डिफरेंट हो, तो इसका यूज भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा, लिखा द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नोट आंसर इट। तो क्या करना है, वही वेरी आ जाए, मच आ जाए, वहां तक का लिखेंगे और इसको हटाएंगे और टू का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट हो गया। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो लिखा है आई कैन नोट आंसर इट, और एक बार ये भी देखेंगे इट इज वेरी कोल्ड, मोनू कुड नॉट सिट आउटसाइड। दोनों को एक बार साथ देख लेंगे, इसको भी लिखेंगे इट इज टू, वेरी की जगह क्या आ जाएगा, टू कोल्ड। अब देखो अंतर क्या है, यहां पर देखो सब्जेक्ट नाउन है और यहां पर प्रोनाउन है। पहली बात तो ये होगी कि जहां फुल स्टॉप आए फुल स्टॉप को हटाएंगे और फोर का प्रयोग करेंगे। क्या करना है, फोर का प्रयोग करना है फुल स्टॉप को हटाकर। अब अगर कोई प्रोनाउन दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, आई है तो मी, ही है तो हिम, दे है तो देम, ये आ जाएगा फोर के बाद। अब कैन नोट को हटाना है और टू का प्रयोग करना है, कैन नोट को हटाना है और टू का प्रयोग करना है। आगे क्या लिखा है, आंसर। अब ये देखो इट है वो किसके लिए आया है, आंसर किसके लिए आया है, मैं इसको सोल्व किसको, इस क्वेश्चन को, ये इट किसके लिए है, तो अब क्वेश्चन हमारे पास आ गया, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट हट जाएगा, मतलब इट दैट ये देम ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे जो उनको क्या कर देना है, हटा देना है। ध्यान से देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, लिखा है द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, तो क्या करना है कि जहां वेरी है वहां टू लगा देना है, पहला वाक्य और कुछ नहीं करना, पहले वाक्य में जहां वेरी लिखा है, मच लिखा है, उसको हटाएंगे और टू का प्रयोग कर देंगे। अब आ गया फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को हटाएंगे और फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कर दिया। अब प्रोनाउन अगर दिया हुआ है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना है, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, ये लिखेंगे। तो आई था, हमने क्या लिख दिया, मी लिख दिया। कैन नॉट और कुड नॉट आ जाए तो उसको हटा देंगे और टू लगा देंगे, लगा दिया। अब देखो आगे लिखा है आंसर, ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब आ गया इट, तो इट है वो रिपीट हो रहा है किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें नाउन है तो फिर प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, हटा दिया उसको। नेक्स्ट देखेंगे इट इज वेरी कोल्ड, भाई बहुत ज्यादा ठंड थी, तो वेरी को हटा के क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। फुल स्टॉप आ गया, हटा देंगे फोर का प्रयोग। नाउन है तो नाउन का नाउन ही रहेगा, तो नाउन का नाउन ही रहेगा, हो गया नाउन का नाउन। अब कैन नॉट आ गया, हटा दिया, टू लगा दिया, कैन नॉट या कुड नॉट को हटा के टू लगाना था। आगे क्या है, सिट आउटसाइड, ये है टू और टू का प्रयोग। नेक्स्ट देखें सो दैट का, वो सो दैट किससे बनता है, इस टू और टू को हटा के ही प्रयोग किया जाता है, मतलब सो दैट और टू और टू का प्रयोग लगभग सेम होता है, इसी वाक्य में सो दैट का होता है, इसी में टू और टू का, लेकिन अगर हमने टू और टू का प्रयोग कर दिया तो इसको कौन रिमूव कर सकता है, टू और टू को, सो दैट रिमूव कर सकता है, देखेंगे एग्जाम्पल से। हमें करना है सो दैट का प्रयोग करना है और सेंटेंस को कंबाइन करना है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सो दैट का प्रयोग को रिमूवल ऑफ टू, मतलब टू और टू, मतलब ये जो सो दैट है वो किसको हटाते हैं, टू और टू को हटाते हैं।
देखो अभी हमने जस्ट कौन किसकी बात की है, टू और टू की बात की है, एक बार उसी को रिपीट करेंगे और उसके तुरंत बाद देखेंगे कि हाँ उसको किस प्रकार हटा सकते हैं हम और वो सेंटेंस हमें कैसे मिलेगा। देखो सबसे पहले हमें लिखा है, दिया है ही इज वेरी पुअर, टू टू का प्रयोग करके देखें एक बार, तो टू और टू का प्रयोग करने के लिए हमें वेरी की जगह क्या लगाना था, टू, तो क्या आ जाएगा, ही इज टू पुअर, यहां तक हो गया। अब क्या करना है कि दूसरे वाक्य में जहां कैन नॉट या फिर कुड नॉट दिया हुआ आ जाए वहां तक हटा देंगे और टू का प्रयोग कर देंगे और आगे क्या आ जाएगा, जो दूसरा वाक्य है बचा हुआ उसका पूरा जो भाग है वो आ जाएगा। ये होता है टू और टू का प्रयोग, पहले वाक्य में से वेरी को हटा दिया, दूसरे वाक्य में ही और कैन नॉट को हटा दिया और टू लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये है, अगर हमें सेंटेंस दिया हुआ आएगा और उसको जोड़ना होगा सो दैट से, तो ये सेंटेंस दिया हुआ आएगा जिसमें किसका प्रयोग मिलेगा, टू और टू का, इसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू और टू, मतलब रिमूव करना, हटा देना किसको, टू और टू, और उसकी जगह किसका प्रयोग कर देना, सो दैट का। तो पहला देखो, जहां टू दिया है उसकी जगह किसका प्रयोग करना है, सो का, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, सो पुअर। अब है कि जहां टू दिया है उस टू को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, टू को हटाएंगे और दैट का प्रयोग, मतलब जहां टू है वहां सो और जहां टू है वहां दैट। अब देखो यहां पर अब हमें क्या चाहिए कि भाई ये जो टू है ये किसके लिए आया था, कोई नाउन या जो प्रोनाउन है पहले वाक्य में उसकी जगह आया था, तो उस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, नाम दिया है तो ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, प्लूरल है तो दे, ठीक है, यहाँ ही है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। आगे क्या है, अब क्या करना है, कैन नॉट का प्रयोग करना है, या फिर अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग, ये सेंटेंस पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग, कुड नॉट आगे बचा हुआ सेंटेंस वो लिख देंगे, परचेज ए हाउस। देखो ये ऊपर वाला सेंटेंस वापस हमें मिल गया, यही था। दूसरा देखो यहां लिखा है, वही सब्जेक्ट अलग हो, टू और टू का प्रयोग करके देखेंगे पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे दैट ही इज वेरी की जगह क्या आ जाएगा, टू, आगे का होट। अब हमने ये क्या था कि जहां फुल स्टॉप है वहां किसका प्रयोग कर देना है, फोर का, और अगर प्रोनाउन दिया हुआ तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, क्या हो जाएगा, कैन नॉट और कुड नॉट को हटा देंगे और बचा क्या है, टू लगा देंगे और क्या करेंगे, टेक, इट हट गया, ये इट किसके लिए था, इसे टी के लिए था, टी मिल गया हमारे पास तो फिर प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहां तक का लिख देंगे, वेरी की जगह टू, फुल स्टॉप को उठाएंगे फोर लगाएंगे, प्रोनाउन दिया है सब्जेक्टिव केस हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, कैन नॉट को उठाएंगे टू का प्रयोग करेंगे और आगे क्या बचा है जो लिख देंगे ऐसे का ऐसा। अब क्या करना है, टू और टू हमें इनको हटाना है और किसका प्रयोग करना है, सो दैट का प्रयोग करना है, तो जहां टू है वहां सो और जहां टू है वहां दैट का प्रयोग, तो क्या आ जाएगा, दैट इज टू आ गया, टू की जगह क्या करना है, सो का प्रयोग करना है, सो होट। फोर आ गया, इसकी जगह क्या करना है, दैट का प्रयोग, फोर को हटा देंगे और दैट का प्रयोग कर देंगे। अब देखो मी ऑब्जेक्टिव केस है, हम इसको किसमें बदल देंगे, सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, सब्जेक्टिव केस में बदलने के बाद कैन नॉट या फिर कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे, टू हट जाएगा और टेक आ जाएगा। ये होता है हमारा सो दैट का प्रयोग, जो कि होता है टू और टू को हटाने के लिए। अब नेक्स्ट बचा है एक छोटा सा है, वो है यट। लास्ट कंजंक्शन हमें दिया है यट, यट का मतलब क्या होता है, फिर भी, के बावजूद भी, इसके अलावा भी, मतलब क्या होता है, लिखा है सेंटेंस द हाउस इज वेरी बिग, इट इज वेरी क्लीन, पर घर बड़ा है फिर भी क्या है वो साफ है, तो हमें क्या करना होता है, बहुत ही आसान है कि यट का प्रयोग करना हो, दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो पहला वाक्य ऐसे का ऐसा, द हाउस इज वेरी बिग, हो गया। अब जहां फुल स्टॉप है उसको उठाएंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे और यट का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा वाक्य है वो ऐसे का ऐसे लिख देंगे, कुछ नहीं करना, पहला वाक्य लिखना है, फुल स्टॉप को उठाएंगे, कोमा लगाएंगे, यट का प्रयोग करेंगे
और दूसरा वाक्य है वो पूरा का पूरा लिख देंगे। ये थे हमारे 11 कंजंक्शन जिनका प्रयोग हमने देखा है।